नमस्कार साथियों, यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम दीपांश है और इस वक्त की अपडेट ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से जुड़ी है। साथियों, हाल ही में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के लिए परामर्श और सिफारिशें देने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस मौजूदा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साथ बायो एनर्जी, बायो इकोनॉमी और ऊर्जा संक्रमण क्षेत्रों में व्यापक रूप से काम करेगा। इसमें स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बायो फ्यूचर प्लेटफॉर्म, मिशन इनोवेशन बायो एनर्जी पहल और ग्लोबल बायो एनर्जी पार्टनरशिप शामिल हैं। दोस्तों, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भारत की G20 अध्यक्षता के तहत प्राथमिकताओं में से एक है। बता दें कि इसका उद्देश्य परिवहन क्षेत्र सहित सहयोग को सुविधाजनक बनाना और टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को तेज करना है। अलायंस वैश्विक जैव ईंधन व्यापार को सुविधाजनक बनाने, नीति के साझाकरण और दुनिया भर में राष्ट्रीय जैव ईंधन कार्यक्रमों के लिए तकनीकी सहायता के प्रावधान पर जोर देगा। अलायंस पहले से लागू सर्वोत्तम प्रथाओं और सफलता के मामलों को आगे बढ़ाने पर भी जोर देगा। गौरतलब है कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 के दौरान की गई थी। आपको बता दें कि ब्राजील, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख जैव ईंधन उत्पादक और उपभोक्ता देश हैं। ये देश अन्य इच्छुक देशों के साथ वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के विकास की दिशा में मिलकर काम करेंगे। भारत की पहल पर शुरू होने वाले ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में अब तक 19 देशों ने इसका आरंभिक सदस्य बनने के रूप में अपनी सहमति दी है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में टिकाऊ जैव ईंधन को ग्लोबल फ्यूल बनाने पर जोर देगा। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।